हाय फ्रेंड्स, दिस इज डी के स्पेशल एजुकेशन चैनल। हमारे चैनल से जुड़े सभी लोगों को हैप्पी होली, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में फ्रेंड्स, हम 2014 के DSSB एग्जाम के जो पोस्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस थे, वो जो बचे हुए 50 क्वेश्चंस हैं, उनका डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन कर चुके हैं। जिन्होंने फ्रेंड्स हमारी वो वीडियो नहीं देखी है, वो प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहां से भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। जो हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो कोई भी आपसे मिस ना हो और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं DSSB स्पेशल एजुकेशन टीचर का पेपर। क्वेश्चन नंबर 151। फिजियोलॉजिस्ट शब्द होमियोस्टेसिस का इस्तेमाल शरीर की प्रवृत्ति का वर्णन करने के लिए एवं उसके संतुलन को बनाए रखने के लिए करते हैं। इसमें से जो आंसर है फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, बाहरी शरीरी स्थिति और पर्यावरण। फ्रेंड्स, फिजियोलॉजिस्ट में बाहरी शरीर की मरम्मत का ध्यान रखा जाता है, ताकि अगर किसी अंग में कमी है तो उसको ठीक करके सहायक तत्वों के द्वारा जीवन प्रदान किया जा सके, ताकि वे वातावरण की स्थिति में अपने आप को ढाल सके, अडेप्ट कर सके। क्वेश्चन नंबर 152। वह तकनीक जिसमें ज़रूरत और तत्परता मापन किया जाता है तथा जिसके साथ काम को प्रेरणा की विभिन्न स्थितियों के तहत सीखा जाता है। इसका जो आंसर है फ्रेंड्स, वो ऑप्शन नंबर थर्ड है, पसंद और वरीयता विधि, चॉइस एंड प्रिफ्रेंस मेथड। इसमें देखा जाता है कि किसकी कितनी ज़रूरत है, कितनी नीड है, तथा किस ज़रूरत को वह कौन सी वरीयता प्रदान करता है, यानी कौन सी ज़रूरत के हिसाब से वह कितनी प्रिफ्रेंस किस चीज़ को देता है। क्वेश्चन नंबर 153। किस विशेष प्रकार के व्यवहार के लिए उत्तेजना की आपूर्ति एक आंतरिक जैविक गतिविधि की स्थिति के रूप में जाना जाता है। इसका जो आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सेकेंड है, मकसद यानी मोटिव। मोटिवेशन के तीन पार्ट्स होते हैं फ्रेंड्स, फर्स्ट होता है नीड, सेकंड इंस्पिरेशन, थर्ड इंसेंटिव्स। क्वेश्चन नंबर 154। जिस लक्ष्य से बचने की कोशिश की जाती है उसे कहा जाता है। इसका जो आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर फोर्थ है, नकारात्मक लक्ष्य यानी नेगेटिव टारगेट। क्वेश्चन नंबर 155। अपने माहौल से निपटने में सक्षम और आत्मनिर्धारित करने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता को कहा जाता है। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, आंतरिक प्रेरणा, इंटरनल मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 156। जिज्ञासा किसके अंतर्गत आता है। इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड है, व्यक्तिगत उद्देश्य यानी पर्सनल पर्पज। 157। आंतरिक प्रेरणा सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया। इसका जो आंसर है फ्रेंड्स, वो सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन नंबर सेकंड है, यह सिद्धांत सिगमंड फ्रायड द्वारा डेवलप किया गया। क्वेश्चन नंबर 158। निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक उद्देश्य नहीं है। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ है, ऑक्सीजन की आवश्यकता, यह एक मनोवैज्ञानिक उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 159। एक वस्तु जो व्यवहार को प्रकट करती है। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड है, आवश्यकता यानी नीड। आवश्यकता यानी नीड को फ्रेंड्स मनोवैज्ञानिकों ने अभी प्रेरणा यानी मोटिवेशन की उत्पत्ति में पहला कदम बताया है। क्वेश्चन नंबर 160। दूध के स्राव के साथ जुड़े प्यूट्री हार्मोन्स को जाना जाता है। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड है, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन फ्रेंड्स एक ग्रंथि होती है जो दूध के स्रोत से जुड़ी होती है, जो एक बच्चे को शुरू के 6 महीने तक रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। 161। भारत के संविधान का गठन एक संविधान सभा द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर फोर्थ है, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत। 162। भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे, यानी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी फ्रेंड्स, उसके जो अध्यक्ष थे कौन थे। इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ है, B.R. अंबेडकर। 163। निम्न में से कौन से कानून में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। क्वेश्चन नंबर 164। भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड है, श्री M.N. राय। 165। संविधान सभा का पहला सत्र आयोजित किया गया था। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, मुंबई। संविधान सभा का पहला सत्र फ्रेंड्स मुंबई में आयोजित किया गया था। 166। निम्न में से कौन सा व्यक्ति व्यक्तिगत शिक्षा टीम योजना का हिस्सा नहीं है। इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड है, स्कूल के प्रतिनिधि, यानी स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव व्यक्तिगत शिक्षा योजना टीम का हिस्सा नहीं है। 167। विशेष शिक्षा प्रदाताओं द्वारा पेश किए जाने वाले पूर्व स्कूली बच्चों के लिए प्राथमिक कारणों में से कौन सी स्थिति नहीं है। फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सेकंड है, आत्म केंद्रित यानी स्वलीनता, ऑटिस्टिक। 168। निम्न में से कौन सी सेवा सार्वजनिक स्वास्थ्य का हिस्सा नहीं है। इसका जो आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सेकंड है, आउट पेशेंट चिकित्सा सेवा। बाकी जो ऑप्शन बचे हुए हैं वो सब सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा का हिस्सा हैं। क्वेश्चन नंबर 169। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के इस स्तर पर
स्वास्थ्य पेशेवरों का नियमन होता है? इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड है राज्य। इसमें फ्रेंड्स स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो छोटे छोटे स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाए। 170 निम्न में से कौन सी सेवाओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसियों के बीमा का हिस्सा माना जाता है? इसका जो आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सेकंड है संक्रामक रोग के प्रकोपों का निदान और जांच करने के लिए। 171 व्यावसायिक चिकित्सक और भौतिक चिकित्सक यानी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा चिन्हित किया जाने वाला निम्न में से कौन सी स्थिति एक उच्च प्राथमिक सार्वजनिक स्वास्थ्य फोकस क्षेत्र नहीं है? इसका जो आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट है गठिया। 172 अगर एक शिक्षक एक प्रभावी कम्युनिकेटर बन जाए तो? इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड है वह पढ़ाने के बीच प्रश्न पूछता है। फ्रेंड्स एक अच्छा एजुकेटर वही होता है जो बच्चों के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करता है। 173 एक अच्छा टीचर वह है जो सक्षम है? इसका जो आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सेकंड है छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए, यानी जो स्टूडेंट्स हैं उनको वो मोटिवेट करे सीखने के लिए। 174 एक छात्र किसी शिक्षक की मदद के बिना किसी समस्या को सुलझाने की कोशिश करता है, ऐसे में शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ है उसके व्यक्तिगत प्रयास को प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी बच्चे ने जो मेहनत करी है उसके प्रयास को इनिशिएटिव दे, उसको प्रोत्साहित करे मोटिवेट करे। 175 निम्न में से कौन सी शिक्षण गुणवत्ता का एक संकेत है? इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड है कक्षा में छात्रों द्वारा उठाए गए सवालों के मानक। जब स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं तो इससे पता चलता है कि क्लास में स्टूडेंट्स एक्टिव हैं। 176 शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड है, यानी इसका जो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन है दोनों ही सही है, सोच शक्ति का विकास करना, तर्क शक्ति का विकास करना, बच्चे के अंदर हमें थिंकिंग पावर डेवलप करनी है। क्वेश्चन नंबर 177 एक शिक्षक को शिक्षा के दर्शन के अध्ययन की आवश्यकता है क्योंकि? इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ है अपने शिक्षण व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए नए विचार प्रस्तुति हेतु। क्वेश्चन नंबर 178 मूल्य हर इंसान में निहित है यह परिलक्षित होता है? इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ है आदर्शवाद। 179 कक्षा में आदर्श स्थिति वह है जिसमें? इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर थर्ड है, जैसे कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड में जो सेकंड पार्ट है वो इसका आंसर है छात्र पूरी तैयारी के साथ कक्षा में आएँ और व्याख्याता की उपस्थिति के विषय पर एक दूसरे के साथ चर्चा करें। इसका मतलब है फ्रेंड्स यानी जो स्टूडेंट्स हैं वो एक एक्टिव होने चाहिए जो टीचर पढ़ा रहा है उसके प्रति, और आपस में कम्युनिकेशन होना चाहिए उनके बीच में, तभी कक्षा में एक आदर्श शिक्षण की स्थिति बन पाएगी। क्वेश्चन नंबर 180 अपने छात्रों को समझने के लिए निम्न में से एक शिक्षक को अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए? इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ है, यानी ये सारी चीज़ें एक टीचर को पता होनी चाहिए, जैसे कि फर्स्ट आप देख सकते हैं बाल मनोविज्ञान चाइल्ड साइकोलॉजी, बच्चों को समझने की ओर झुका, बच्चों को समझना आना चाहिए, छात्रों की विषय वस्तु पर राय यानी जो कंटेंट है उस पर स्टूडेंट्स के ओपिनियन लेने चाहिए टीचर्स को। 181 शिक्षण की कौन सी विधि ज्ञान के अधिकतम उपयोग को प्रोत्साहित करती है? इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड है स्व अध्ययन विधि यानी सेल्फ स्टडी मैथ। 182 निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता है एक खुली किताब परीक्षा पद्धति की? इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड है यह परीक्षा से संबंधित छात्रों की चिंता को कम कर दे, जो स्टूडेंट्स के अंदर एग्जाम से रिलेटेड फियर होता है डर होता है वो इस मेथड से जरिए थोड़ा कम हो जाता है। 183 प्रभावी शिक्षक है इफेक्टिव टीचर के क्या गुण है? इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड है किसने विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित किया, यानी जो स्टूडेंट्स को सीखने के लिए प्रेरित करेगा एक तरह से उनको मोटिवेट करेगा वही एक इफेक्टिव टीचर माना जाएगा। 184 कक्षा गतिविधियों और निर्देशों को व्यवस्थित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला वह तरीका जो एक खुशहाल और उत्पादक शैक्षणिक वातावरण का निर्माण करता है वह कौन सा होता है? इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सहकारी शिक्षा यानी कोऑपरेटिव लर्निंग। 185 आपके पाठ के अनुसार व्यर्थ बर्बाद समय कम करने का सबसे अच्छा तरीका है? इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड है सभी अध्ययन सामग्री को तैयार रखना, यानी अगर आप अपने TLM वगैरह पहले से रेडी रखेंगे तो जो बर्बाद होने वाला टाइम है उसको आप बचा पाएंगे। 186 कक्षा में गति बनाए रखने के लिए सबसे अच्छी बात जो शिक्षक कर सकता है? इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ है सभी पाठ सामग्री एडवांस में तैयार करना। फ्रेंड्स इससे पहले वाली जो क्वेश्चन था उसमें भी हमने आपको बताया कि आप अपना जो TLM है वो पहले से रेडी रखिए, जो आपके जो टीचिंग मटेरियल्स हैं उनका पहले से रेडी रखिए, तो इससे जो आप चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं क्लास में एक तो वो अच्छे से पढ़ा पाएंगे और जो आपका जो टाइम बर्बाद होने वाला है वो टाइम बच जाएगा और वो बच्चों की पढ़ाई में काम आएगा, वो टाइम यूटिलाइज हो जाएगा एक तरह से। 187 शिक्षक के कार्यों के अध्ययन के अनुसार एक शिक्षक के लिए अपनी कक्षा प्रबंध योजना को परिभाषित और कार्यान्वित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय? इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है स्कूल वर्ष के पहले कुछ दिनों के दौरान होता है।
188 अध्यापक कक्षा की गति को बिना रोके कक्षा के दुर्व्यवहार को कैसे समाप्त कर सकता है? इसका जो आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, टोकन इकोनॉमी के द्वारा आप बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। इससे बच्चे क्या होंगे, इंस्पायर होंगे और जो उनका जो बिहेवियर प्रॉब्लम है वो कम होगा। इस चीज़ का यूज़ फ्रेंड्स हम क्लास में करते भी हैं। आपने देखा होगा जो हमारी जो टीचिंग स्ट्रेटजीज होती हैं उसमें हम ये रीइंफोर्समेंट, ब्रेनस्टॉर्मिंग, टास्क एनालिसिस और टोकन इकोनॉमी, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं ताकि जो बच्चे का जो प्रॉब्लम बिहेवियर है उसको कम किया जा सके, अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को कम किया जा सके और डिज़ायरेबल बिहेवियर है जो उसको बढ़ाया जा सके। 189 इसमें से कौन सा औपचारिक मूल्यांकन नहीं है? इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर फोर्थ है, चर्चा, यानी जो डिस्कशन है वो फ्रेंड्स वो फॉर्मल इवेल्यूएशन के पार्ट में नहीं आता है। 190 निम्न में से कौन सा आकस्मिक मूल्यांकन नहीं है? इसका जो आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, असाइनमेंट। 191 शिक्षा में डैश जन्म से वृद्धावस्था के माध्यम से प्राप्त अनुभव बताता है। इसका जो आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, प्रशिक्षण। जो हम जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक ट्रेनिंग लेते हैं उसी का पता हमारे अनुभव से चलता है। 192 ह्यूमन फैक्टर के अनुसार व्यक्तियों के आज के उनके प्रदर्शन में परिवर्तन डैश में हो सकता है। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, दिन। 193 जब एक शिक्षक को सिखाने के लिए प्रमाणित किया जाता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसने डैश पूरा कर लिया है। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड है, प्रशिक्षण। 194 स्टाफ के कार्यक्रम की लगातार जांच को मूलतः डैश सिद्धांत के साथ करनी चाहिए। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड है, सहायता। 195 बचपन के वर्तमान दृष्टिकोण यह मानते हैं कि, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ है, बचपन विकास और परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। 196 रचनात्मक लेखन के लिए कौन सी गतिविधि योजनाबद्ध होनी चाहिए? इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ है, ये सारे ऑप्शन सही हैं। फर्स्ट, वैसे बच्चों को केवल ग्रेड स्तर पर पढ़ाना चाहिए, केवल वैसे बच्चों को जो वाकई में पढ़ और एकजुट वाक्य लिख सकते हैं, केवल उन बच्चों को जो कक्षा के समाचार पत्र के लिए लिखना चाहते हैं। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फोर्थ है, ये सारे ही ऑप्शन सही हैं। रचनात्मक लेखन का मतलब फ्रेंड्स क्रिएटिव राइटिंग होता है, बच्चे जो उनके अंदर क्रिएटिविटी है उसको वो लिख कर जाहिर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 197 12 साल के बच्चे में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ है, सहकर्मी की स्वीकृति के लिए उत्सुकता। फ्रेंड्स जो ये जो एज होती है, चाइल्डहुड एज कहते हैं इसको, इसमें जो बच्चे होते हैं उनके मन में ये होता है कि जो चीज़ हम कर रहे हैं वो हमारे जो फ्रेंड सर्कल है उसमें उस चीज़ को एक तरह से मान्यता मिलनी चाहिए, तो उसके अंदर बच्चे के अंदर एक तरह से इंस्पायर होता है, वो मोटिवेशन आता है बच्चे के अंदर इस चीज़ से। 198 स्कूल से छात्र क्यों भागते हैं? इसका जो आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, दिलचस्प कक्षा शिक्षण का अभाव। अगर आपकी जो क्लास है वो इफ़ेक्टिव नहीं है, आप उसको एक तरह से स्टूडेंट्स को इंजॉय नहीं आ रहा है, आप एक तरह से इफ़ेक्टिव लर्निंग नहीं करा पा रहे हैं, प्ले वे मेथड नहीं अपना रहे हैं, तो जो स्टूडेंट्स हैं फ्रेंड्स वो उनको बोर फील होगा और वो क्लास को छोड़ के भाग जाएंगे या फिर आपकी जो क्लास है उसको स्किप कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 199 अगर आपको पता चले कि वह जो स्टूडेंट है वह बुद्धिमान है तो आप क्या करेंगे? इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड है, हम उसे प्रेरित करेंगे ताकि वह अधिक प्रगति कर सके। अगर कोई स्टूडेंट सुपर इंटेलिजेंट है, जीनियस है, टीचर का ये फ़र्ज बनता है कि उस स्टूडेंट को सही दिशा दिखाई जाए, उसको इंस्पायर किया जाए, मोटिवेट किया जाए ताकि उसकी जो एनर्जी है वो सही दिशा में जाके लग सके और वो एक कामयाब स्टूडेंट बन सके। 200 शब्द समान तत्व निकटता से जुड़ा हुआ है। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड है, सीखने का स्थानांतरण, यानी जो समान तत्व जो शब्द है उसके साथ जो निकटता से जुड़ा हुआ वर्ड है वो यह है सीखने का स्थानांतरण, यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्ट दिस चैनल।